सॉर्टिंग टेक्निक। तो व्हाट इज द बेसिकली सॉर्टिंग टेक्निक इज, सॉर्टिंग इज नथिंग बट यू आर गिवन अ रैंडम लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड वी नीड टू अरेंज दोज नंबर्स इन द आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वट एवर इज द क्वेश्चन गिवन। इफ वी वॉन्ट टू अरेंज दोज इन द असेंडिंग ऑर्डर देन देयर विल बी अ डिफरेंट लॉजिक एंड इफ यू वॉन्ट टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर देन देयर विल बी जस्ट लिटिल चेंज इन द लॉजिक कोड। सो for the sorting we are having several sorting techniques. So today we will discuss about the bubble sort only, after that insertion sort, selection sort. Okay, so bubble sorting, as the name suggests, what is the meaning? It is like simply this, let's suppose we are having a bucket of water aur jaise yahan pe koi bubble banta hai to wo kya hota hai, dheeme 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 kahan jata hai, bilkul iske surface pe aa jata hai. So logic is very simple. How we will have a list of एंड नंबर्स, कोई भी रैंडम नंबर्स हैं, तो बबल सॉर्ट का इसका जो नेम है इसका मीनिंग यह है कि देर विल बी एन नंबर ऑफ पासिस आर नंबर ऑफ लॉजिक ऑपरेशन इन दैट केस द फर्स्ट पास द बिगेस्ट नंबर। अब इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं देन द बिगेस्ट नंबर जहाँ पर भी होगा वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पास में अपनी लास्ट पोजिशन पर आ जाएगा, एक्यूरेट पोजिशन पर, सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट पोजिशन पर। सेकेंड पास में क्या हुआ, लिस्ट हमारी इतनी हो गई स्टैच होके, इफ वन लेस देन वन एलिमेंट एंड अब लॉजिक विल एग्जीक्यूट फ्रॉम दिस टू एन माइनस टू। ठीक है, तो अब इनमें से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इन एवरी पास लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट, जैसे लिस्ट इनिशियली फाइव एलिमेंट की थी, फिर फोर एलिमेंट की रह गई, फिर थ्री एलिमेंट, फिर टू, फिर वन। ओके, सो इन एवरी पास द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द लास्ट पोजिशन ऑफ द लिस्ट। ये इसका सॉर्टिंग ऑपरेशन होगा पूरा, ये लॉजिक होगा बबल सॉर्ट का। तो दिस इज द सम काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ द बबल सॉर्ट। ये सपोज हमारे पास लिस्ट है 16, 12, 67, 11 एंड वी नीड टू सॉर्ट दिस लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। इसमें क्या होगा, देखो लॉजिक क्या है, कंपेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरोथ इंडेक्स वैल्यू, कंपेयर दीज टू नंबर्स, फर्स्ट टू नंबर, इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है, अगर सपोज द नंबर 16 इज ग्रेटर देन 12 जैसे यहाँ पे है, देन सिंपली वी स्वैप दीज वैल्यूज, मीन 12 विल कम हियर, 16 विल कम हियर। तो ये हुआ यहाँ पे 16 इज कम्पेयर्ड विद 12, 16 इज ग्रेटर देन 12, सो देर विल बी अ स्वैपिंग इन दीज नंबर, सो 12 विल कम हियर, 16 विल कम हियर, और ये प्रोसेस चलता रहेगा आगे तक। ठीक है, नाउ 16 ये हम आगे हमें अपने सेकेंड पोजिशन पे और थर्ड पोजिशन पे ये दोनों कंपेयर होंगे, हियर 16 इज ग्रेटर देन 67, नो कंडीशन इज फॉल्स, सो नो स्वैपिंग विल बी देयर। ठीक है, नाउ ये पोजिशन है हमारे पास थर्ड, जैसे आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, नाउ 16 इज कंपेयर्ड विद 11, 16 इज ग्रेटर देन 11, सो देयर विल बी अ स्वैपिंग इन बिटवीन दीज नंबर, सो 11 विल बी हियर, 67 विल बी हियर। तो यू कैन सी हियर दिस इज द पास वन, मीन्स पूरी लिस्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो इसके एक्यूरेटली पोजिशन पे आ गया। ठीक है, दिस इज द, सो दैट्स वाई द नेम इज बबल, बबल सॉर्ट मीन्स बबलिंग, लाइक द बिगेस्ट एलिमेंट विल बी बबल्ड अप टू द एक्यूरेट पोजिशन ऑफ द लास्ट पोजिशन। आफ्टर द बिगेस्ट एलिमेंट इज एट द लास्ट पोजिशन आफ्टर द पास वन, द लिस्ट विल बी रिड्यूस टू लेस देन वन एलिमेंट। नाउ द लिस्ट विल बी लाइक दिस 12, 16, 11। अब इसमें ऑपरेशन होगा 12, 16, 11. 12 is come. This will be the pass two. Second largest element, accurate position पर आ जाएगा. तो 12, 16, 11. 12 is compared with 16. 12 is greater than 16. No, no swapping. Here, 16 is it compared with 11? 16 greater than 11? Yes. So there will be a swapping between these two. So 11 will come here. 16 will come here. 11 will come here. Now you can see here the 16 is at its right position. Okay. Now the list will be of two elements here. So we'll do इन द पास थर्ड द ऑपरेशन। तो टोटल फोर एलिमेंट्स हैं तो तीन पास हुए, पांच एलिमेंट हैं चार पास होंगे, फोर पास होंगे, टेन एन एलिमेंट्स हैं तो एन माइनस वन पास होंगे। तो 12 इज कम्पेयर टू 11, 12 इज ग्रेटर देन 11, सो देयर विल बी अ स्वैपिंग इन दिस केस, 11 विल कम हियर, 12 विल कम हियर। यू कैन सी हियर आफ्टर द पास थ्री द होल लिस्ट इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर। दिस इज द लॉजिक ऑफ द बबल सॉर्ट ऑपरेशन। नाउ दिस इज द कोड फॉर द बबल सॉर्ट ऑपरेशन। इसमें दो लूप एग्जीक्यूट होंगे। ओके, दिस लूप इज फॉर द पास, इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम आई इक्वल जीरो टू आई लेस देन एन माइनस वन आई प्लस प्लस।
ये क्या करेगा, हर एक लार्जेस्ट एलिमेंट को उस लिस्ट में अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे पहुंचाएगा, ठीक है। मींस इट विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, n माइनस 2, आई लेस देन n माइनस 1 मीन, ठीक है। और आई इक्वल 0 के लिए मीन्स पास 1 के लिए, आई इक्वल 1 के लिए मीन्स पास 2 के लिए, एंड लाइक दिस। इनर जो एलिमेंट है इसमें हमारा लॉजिक होगा स्वैपिंग वाला, ठीक है। तो ये उस हर एक जो हमारा बड़ा वाला एलिमेंट है, जो भी हम यहाँ एज्यूम करेंगे उस एलिमेंट को कंपैरिजन होगा और रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे एक स्वैपिंग होगी। विल डू द स्वैपिंग बाई यूजिंग और सम काइंड ऑफ थर्ड वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल। दिस इज द इंटरचेंज ऑपरेशन और स्वैपिंग ऑपरेशन हियर। नाउ दिस इज द एरे बिफोर सॉर्टिंग एंड दिस वन इज द एरे आफ्टर द सॉर्टिंग। सो इफ यू पीपल आर हैविंग एनी डाउट इन दिस देन जस्ट प्लीज आस्क, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू अनदर एनिमेशन फॉर दिस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो दिस इज द लिस्ट, ओके, आई एम जस्ट जूमिंग इट आउट। ओके नाउ वी नीड टू अप्लाई द बबल सॉर्ट ऑपरेशन। सो लक एट हियर, वॉट विल I इक्वल 0, ये स्वैपिंग हो गया, फिर स्वैपिंग हो गया। सो आफ्टर द फर्स्ट पास यू कैन सी हियर दिस एलिमेंट इज एट अपनी एक्यूरेट पोजिशन पे पहुंच गया। नाउ फिर वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। 47 इज लेस देन 53, नो स्वैपिंग। 53 इज लेस देन 64, नो स्वैपिंग। 64 इज ग्रेटर देन 6, तो स्वैपिंग, और 64 अपनी एक्यूरेट पोजिशन पे आ गया। नेक्स्ट 47 इज कम्पेयर टू 53, नो चेंज। 53 इज कम्पेयर टू 6, तो 6 बोथ ऑफ विल बी चेंज, पास 3, एंड दिस विल बी द पास 3, 6 विल बी एक्सचेंज विद 47। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ 10 ले लेता हूँ और स्पीड से आपको पूरा प्रोसेस शो कर देता हूँ। लुक एट हियर द लिस्ट विल बी, इस तरह से इसमें शिफ्टिंग हो रही है, स्वैपिंग हो रही है। आप लोग खुद एक बार इसको करके देखना, आई विल शेयर द लिंक एंड देन द होल ऑपरेशन विल बी क्लियर टू यू।